दोस्तों आज मैं आपको लेकर के आया हूँ रांची के बाबा लिट्टी पर, जहाँ रोजाना तकरीबन 10,000 लिट्टी बेची और लोगों द्वारा खाई जाती है। इस लिट्टी को यहाँ आलू के चोखे और घी वाली सत्तू की लिट्टी को चटनी के साथ में दिया जाता है। 50 रुपए का ये जायका लोगों द्वारा यहाँ पर बहुत पसंद किया जाता है। तो आइए अब इसकी पूरी मेकिंग देखते हैं और आपको यहाँ खा करके बताते हैं। तो सर आपका नाम? सुनील कुमार। तो ये बाबा लिट्टी नाम क्यों है इसका? ये मेरा पिताजी शुरू से गेरुआ कपड़ा पहनते थे। अच्छा। इसीलिए वो आके यहाँ पर ये धंधा चालू किए। उसके बाद हम बैठना चालू किए। ये 53 साल से है, 1969 का दुकान है। और यहाँ पे लिट्टी चोखा बहुत पसंद किया जाता है? बहुत पसंद, बहुत दूर दूर मेरा लिट्टी जाता है, मतलब दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, इस सब बराबर मेरा लिट्टी जायत रहता है। तो सर ये लिट्टी चोखा क्या होता है, एक बार बताइए। ये लिट्टी चोखा पहले बिहार था, खाली बिहारी लोग लिट्टी खाते थे। अब क्या है कि मारवाड़ी लोग इतना पसंद करने लगे हैं कि शादी ब्याह पार्टी में जब तक लिट्टी नहीं रहेगा तब तक मजा नहीं आएगा। ये सुबह कितने बजे लगाते हैं आप? सवेरे मेरा 7 बजे से मेरा काम चालू हो जाता है। 12 बजे दुकान खोलता हूँ, सब तैयारी करके। मेरा पिताजी चालू किए थे 8 आना से। आज ये लिट्टी हो गया 50 रुपया जोड़ा, महंगाई के हिसाब से। देखिए लहसुन कैसे साफ होता है इसको। अच्छा, इसमें आटा हम डाल रहे हैं। तो ये लहसुन का पत्ता भी है इसमें? तो अभी हाँ, आटा से पूरा साफ हो जाएगा, सब छिलकोया अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से? हाँ, देखिए पूरा सफाई हो गई है। देखो लहसुन जो है पूरा साफ होकर के अलग हो गया। ये क्या है सर? ये टमाटर के उगाल दिया हूँ। अच्छा, अब इसको मैं छान रहा हूँ। सारा कटिन हो गया। अच्छा, अभी मैं इसको मिक्स करता हूँ। आदि है, लहसुन है, धनिया पत्ता है। इससे क्या बनेगा? सत्तू में जाएगा, टमाटर चटनी में जाएगा, आलू के चोखा में जाएगा। अभी ये वाला चटनी बनाएंगे? हाँ हाँ। हम टमाटर का चटनी में प्याज डाल रहे हैं। ये डल गया टमाटर की चटनी में प्याज। प्याज, धनिया, मिर्चा आदि, लहसुन में मिक्स है। सरसों का तेल? हाँ, चटनी में? चटनी में। कच्चा तेल है? कच्चा तेल है। देखिए ये देखो दोस्तों, कच्चा तेल डल रहा है चटनी में। यहाँ नमक, ये नमक, ये घर का मेरा पिसा हुआ मसाला। इसमें 20-22 तरह का मसाला होते हैं। अभी मैं डाल रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये इनका एक मिक्स मसाला है, ये घर का मसाला है। अभी इसको मैं मिला रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, ये बन रही है इनकी टमाटर की चटनी, जो लिट्टी चोखा के साथ में देते हैं ये लोग। और दूसरी सर कौन सी दी जाती है? धनिया पत्ता का चटनी। धनिया पत्ता का चटनी बर्तन में? अच्छा, ये है चटनी बर्तन में डाल दी। देखो दोस्तों, तो दोस्तों ये है धनिए का चटनी इनका, ये आप देख सकते हो। और ये थोड़ा सा पतला करने के लिए, क्योंकि बहुत थिक था इसलिए थोड़ा पानी डाला है इसमें। ये देखिए दोस्तों, ये है मिर्ची, ये सारा मिक्स मसाला है। हाँ। आदि, मिर्चा, लहसुन, हाँ, सारा मिक्स है। हाँ। मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये आलू में डल रहा है। अब दोस्तों, अब अपन चोखे की तैयारी कर रहे हैं। चोखे का तैयारी कर रहा हूँ, ये जा रहा है दोस्तों। अब इसमें नमक, इसमें भी सरसों का तेल कच्चा ही जाएगा? कच्चा जाएगा। अच्छा, ये देखिए साहब, ये डल गया है सरसों का तेल। सारे मसाले को मिक्स करूंगा। अब देखिए बिल्कुल इस तरीके से इसको मैश किया जा रहा है। अब इसको पूरा गूंथने के बाद देखिए, इसको मैश करके बिल्कुल सॉफ्ट कर दिया है इन्होंने। हाँ जी सर, ये क्या है? ये सत्तू है जलान का, चने का। ये देखिए, ये है चने का सत्तू। ये अचार पिसा हुआ, यही अचार है।
अच्छा, तो ये मिर्ची का अचार है लेकिन? हाँ, ये मिर्ची का अचार है, ऐसा कि मिक्स अचार है, दोनों मिक्स करके डालता हूँ। अच्छा, मिक्स अचार को हाँ। फिर आप कैसे बनाते हो दिखाओ। हाँ, मिक्सी में मैं पीस दिया हूँ मिक्स अचार को। हाँ। पीस के और ये सत्तू में मिक्स कर रहे हैं, ये देखिए। हाँ। क्या बात है, बहुत ही यूनिक प्रोसेस है ये। तो ये है आपका सरसों का तेल, सरसों का तेल डल रहा है दोस्तों, आप देखिए इसमें अब ये मिक्स कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं तो यहाँ पे पहली बार लिट्टी चोखा खाऊंगा, आप भी बताइए अगर आपने पहले खाया है तो कमेंट कीजिए कि आपको ये प्रोसेस कैसा लग रहा है। क्या खुशबू आ रही है अचार की। अब क्या डालेगा? मंगरेला, जवाइन, गोलकी, मिक्स किया हुआ मसाला है, गोलकी, अजवाइन है, मंगरेला है, हाँ, गोलकी है, गोलकी यानी ये काली मिर्च। हाँ, काली मिर्च। तो ये है देखिए, ये इसमें डाल देते हैं। अब इसमें मसाला मैं डाल रहा हूँ कटा हुआ, जो आपके सामने काटा हुआ। अच्छा, जो आपने काटा था वो धनिया, मिर्ची और लहसुन और अदरक। तो ये गोदाम आपका दुकान के पीछे है ना? हाँ हाँ हाँ। अभी इसमें डालेगा नमक। नमक डालेगा दोस्तों, नमक। सूखा सत्तू मेरा तैयार हो गया। सत्तू में देखिए दोस्तों पानी मिलाया जा रहा है और ये अभी बन करके अभी लगाने के लिए है ना, ये अभी। अब इसको देखो, आटे को गूंदा जा रहा है, सत्तू का आटा। ये सत्तू मैंने सुना शरीर के लिए अच्छा होता है। बहुत बढ़िया। क्या होता है इससे, इसको खाने से? पाचन शक्ति बढ़िया है, गैस्ट्रिक नहीं होता है, गर्मी में एकदम ठंडा रखता है पेट, लू नहीं लगेगा सत्तू पीने से, अब पेट एकदम ठीक रखेगा। ये गेहूँ का आटा, गेहूँ के आटे में नमक। ये क्या है? दूध है। अच्छा, दूध से आटा गूंदा जाता है। इससे क्या होता है? सॉफ्ट होता है और फिर उसमें भरा जाएगा सत्तू। ये कौन सा तेल डाल रहे हैं आप इसमें? इसमें रिफाइंड डाल रहे हैं, ये खास्तापन करेगा। अच्छा, तो दोस्तों इनके गोदाम से अब हम आ गए हैं इनके वापस से शॉप पे। तो ये दोस्तों ये सत्तू निकाल रहे हैं जो अभी इन्होंने तैयार किया था अपने गोदाम में। कोयले रखे हैं इन्होंने, इस कोयले को जलाया जाएगा और इसके ऊपर आप ये लिट्टी सेकोगे, है ना? हाँ, लिट्टी सेकूंगा। तो देखो दोस्तों, सारा प्रोसेस अभी आपने देखा, अभी ये बैठ गए हैं अपनी जगह पर और अभी ये प्याज काट रहे हैं ना सर। प्याज किस लिए काटा जाता है? ऊपर से देने के लिए, ऊपर से खाते हैं प्याज। अच्छा, लिट्टी मांग मांग के साथ? हाँ हाँ, मांग मांग के खाते हैं। अच्छा, हाथ से ही करते हैं अभी भी, ट्रेडिशनल स्टाइल। और 50 रुपए में आदमी बढ़िया नाश्ता कर सकता है यहाँ पे। टाइमिंग क्या है अभी यहाँ का? 12 बजे से मतलब 10 बजे रात तक अभी यहाँ टाइम काटने जा रहे हैं। अब इससे बनाई जाएगी लिट्टी। हाँ, अभी इसको पेड़ी में काटूंगा। तो दोस्तों ये देखो, ये पहली बार हमारे चैनल पे हम आपको दिखा रहे हैं कि लिट्टी चोखा जो झारखंड का जो फेमस जायका है वो किस तरह से बनता है। हम आपको पूरा एक एक प्रोसेस दिखा रहे हैं इसका। ये देखिए किस तरीके से ये आटे को तोड़ रहे हैं ना। अब इसकी लोई बनाई जाएगी। हाँ, इसको लोई बनाएंगे। ये है ना, इस पर रखोगे? जाली है, लिट्टी सेकने का जाली। अच्छा, लिट्टी सिकेगी इस पे। हाँ। तो अभी ये घी डल रहा है इसमें, ये देखिए बस। अभी लिट्टी भर रहे हैं, पहले आटा लिया जाता है। हाँ। उसके बाद देखिए सत्तू डाल रहा हूँ, अब इसको बंद करूंगा, अब इसको ठोक दूंगा। ये देखो दोस्तों, ये बन गई है लिट्टी। कितना तो, सब बिहार में बनाते हैं, गोल गोल बनाते हैं। अच्छा, मगर हम शुरू से ही। हाँ, बनाते ये फर्क है बिहार और पटना साइड में, जितना आटा उतना ही मेरा सत्तू है। तो ये लिट्टी जो बनकर के तैयार हुई थी दोस्तों, ये अब इधर लगाएंगे और इसकी सिकाई होगी, है ना? तो दोस्तों देखो, अब उस तरफ तो लिट्टी बन रही है और इस तरफ सिकाई हो रही है। और ये देखिए किस तरीके से ये लिट्टी वहाँ पे बनते बनते ये साफ वहीं से इधर फेंक रहे हैं, है ना? तो डायरेक्ट इसी पे आ रहा है तवे पे, ये देखिए इस तरह से। क्या बात है, मतलब ये बहुत ही पुरानी दुकान है। एक बार एड्रेस बताइए कि कहाँ पर है आपके बाबा लिट्टी? अपर बाजार ईस्ट मार्केट रोड, चुरू वाला के बगल में, पीपल गाछ के नीचे, बाबा लिट्टी। हमारे दुकान के नाम पे ऑल ओवर झारखंड में 100 दुकान होगी जो हमारी नहीं है। अच्छा। हाँ, सिर्फ हमारी दुकान एक ही है, ये है। क्या बात है, देखो इस कदर फेमस है ये कि इनके नाम से दुकानें खुल रही हैं। तो भैया ये किस तरह से दिया जाता है? ये हरे पत्ते पे दिया जाता है। अच्छा। सकुआ का दोना है। हाँ। उसके साथ आलू का चोखा है। हाँ। ये दो तरह की चटनी, एक टमाटर चटनी है, ये धनिया चटनी है, अरे वाह, ये प्याज है, ये हरी मिर्ची। तो ये झारखंड और रांची में इसी तरीके से दिया जाता है? ऑल ओवर झारखंड में ऐसे ही दिया जाता है, सकुआ के पत्ता पे। ये लिट्टी को ऐसे क्रश करते हैं। हाँ। दो तीन मिनट के लिए डालते हैं कि पूरा घी ये अब्जॉर्ब कर ले।
अच्छा, लिट्टी में पूरा घी एब्जॉर्ब हो जाए। हाँ। अरे वाह क्या बात है। ये दोस्तों देख सकते हो आप, ये घी में डाल के रखा है इन्होंने। देखिए दोस्तों, ये कस्टमर आए हैं लिट्टी के लिए और इनका ये तैयार हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से तैयार होता है। इनका घी वाला लिट्टी तैयार हो रहा है। अच्छा, इनका घी वाला है लिट्टी। अब क्या बात है, ये देखो दोस्तों यार, बिल्कुल घी से पूरा भरा हुआ, ये देख रहे हो। ये डल गया दो, ये दो लिट्टी डल गया। अभी आलू चोखा हो गया, ये आलू चोखा, ये टमाटर चटनी हो गया, ये टमाटर चटनी हो गया, ये धनिया चटनी, प्याज हो गया, ये प्याज हो गया, ये मिर्ची हो गया, ये हो गया मिर्ची, और ये हो गया प्रिपरेशन घी वाला। हाँ। कितने का है भैया ये प्रिपरेशन? 50 रुपीस का। तो आप अक्सर आते हो खाने के लिए? तो आप यही रहते हो आसपास? मैं रहता हूँ यहाँ 16 किलोमीटर दूर, जब रांची आता हूँ मैं। 16 किलोमीटर दूर रहते हो जी? कहाँ पर? नगड़ी, पिस्का नगड़ी में रहता हूँ। दोस्तों अब हम हमारे लिए लगवा लेते हैं। तो भैया हमारे लिए आप लगाना एक तो घी वाली और एक बिना घी वाली, हम दोनों खा करके देखेंगे कौन सी अच्छी लगती है ना। ठीक है ठीक है, पहले मैं आपके लिए घी लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए इन्होंने ये तोड़ा और इसमें घी में डाल दिया है। अब ये जब तक होगा तब तक हम एक बना लेते हैं ना। तो ये हम एक लिट्टी तो ले रहे हैं सादी, ये देखिए एक लिट्टी सादी ले लिया है, इसको तोड़ दिया इन्होंने। आलू का चोखा हो गया, आलू का चोखा, टमाटर चटनी, ये हो गई टमाटर चटनी, ये धनिया चटनी, और ये धनिया चटनी, ये है प्याज, ये आपकी मिर्ची, ये हमारी मिर्ची। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन रेडी, ये सूखा लिट्टी है। अभी तक आपने सारे जो वीडियोस देखे रांची के वो नॉनवेज वीडियोस थे, मटन चिकन ये सारी चीजें। लेकिन क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो वेज पसंद करते हैं देखना और खाना, तो मैं आपके लिए एक ये रांची का, झारखंड का लोकल फूड एक आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो कि है देखो, इसको बोलते हैं लिट्टी। और ये लिट्टी चोखा का प्रिपरेशन है। हमने देखिए पहले ये बिना घी वाली लगाई है, इसके अंदर आप देख रहे हो ये सत्तू, बहुत सारे तरह के मसाले इसमें डाले हैं, अचार इसमें डला हुआ है, और ये चने का सत्तू है, और लिट्टी बिल्कुल आलू का मैश, ये देखिए। बहुत ही सही लोकल जायका है। नाश्ते के टाइम पे, लंच के टाइम पे अगर आप यहाँ पे घूमते घूमते आइए, इसको खाइए, मजा आ जाएगा आपको। बहुत ही बढ़िया, बहुत सही टेस्ट है यार इसका, चटपटा सा टेस्ट है। और जो ये सत्तू है चने का, ये आपके मुंह में जाएगा तो आपका मुंह बांध देगा थोड़ी देर के लिए, आप बोल नहीं पाओगे। ये तसल्ली से खाने वाली चीज है ना। मेरे को इन्होंने बताया अगर आप सत्तू खाते हो तो आपको प्याज ज्यादा लगेगी, तो आप पानी अपने साथ रखिएगा, पानी पीते रहिएगा। तो दोस्तों ये वाली जो हमारी लिट्टी थी ये सादी थी, अब हमारी घी वाली एक बार ले लेते हैं। तो देखिए इसमें ये डूबा हुआ है, तो अब ये देखिए ये आ गया, ये देखिए यार क्या घी, मतलब बिल्कुल पूरा इसमें जस्प हो गया है। और ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये सॉफ्ट भी हो गई है इसमें घी में जाने के बाद, ये देखिए। और कुरकुरी है अंदर से, देखिए पूरा जो है ना घी बिल्कुल अंदर तक चला गया है। और भैया इसमें थोड़ा चटनी और डालिएगा, ये देखिए ये चोखा डाल दिया इन्होंने, ये मैश आलू होते हैं, और ये दोनों चटनी, ये देखिए दोबारा प्लेट भर गया है हमारा। और ये दिया जाता है इस पत्ते पर, ये घी वाला लिट्टी लेके चोखा में डुबा के, ये देखिए क्या बात है यार। देखो इसीलिए मैंने दोनों चीजें ली थी। घी डालने के बाद टेस्ट बिल्कुल चेंज हो गया इसका, जो लिट्टी है उसका जो ऊपर का आटा है वो भी सॉफ्ट हो गया, और जो अंदर से जो ये सत्तू था ये बंद गया, तो ये और ज्यादा क्रीमी हो गया है। और ये इस आलू यानी कि इस चोखे के साथ बहुत सही जा रहा है। वन मोर बाइट। जो इन्होंने अचार डाला था ना सत्तू में, जो अचार डाला था उसका प्रॉपर मतलब एक फील आ रहा है, मतलब अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। देखिए कस्टमर आना स्टार्ट हो गए, और रांची का, झारखंड का लोकल जायका है ये। कभी भी अगर आप झारखंड आते हैं या रांची आते हैं, इस प्रिपरेशन को एक बार ज़रूर खा के देखना। अब मैं इसको एंजॉय कर लेता हूँ, आई थिंक दिस इज़ इट फॉर नाउ। सब कुछ मैंने आपको बता दिया, बाकी यहाँ की लोकेशन, यहाँ का नंबर, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम हमारी वीडियो यूट्यूब पर तो डालते ही हैं, और हम हमारी वीडियो को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं, तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अभी मैंने अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, विच इज़ www.virtualbanjara.com, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। आप यहाँ पर भी जाके मेरी सारी वीडियोस को डिटेल में पढ़ सकते हैं। दिस इज़ इट फॉर नाउ, अब मैं आपसे मिलूँगा किसी और दिन, किसी और जगह, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।